आज हम बनाएंगे मिंट पनीर चीजी बाइट्स जो कि काफी कुरकुरे बने हैं। बगैर मैदा कॉर्नफ्लोर के बने हुए ये बाइट्स खाने में इतने टेस्टी और बनाने में इतने आसान होते हैं कि मिनटों में बन जाएगा और चाय के साथ खाने में तो ये अमेजिंग लगता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज लेकर आती हूँ और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बोल में डालते हैं ग्रेट किया हुआ पनीर। यहाँ पर आप घर के बने हुए छेने का भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने बाजार के पनीर का यूज किया है और इसे ग्रेट कर लिया है। और अब इसमें हम डालते हैं बिल्कुल फाइनली चॉप प्याज जो कि हाफ कप मैंने लिया है। हरी मिर्च डाल देते हैं जिसे मैंने बारीक कट किया है। जितना स्पाइसी खाना हो उस हिसाब से ऐड कीजिए। काली मिर्च पाउडर डालते हैं हाफ टी स्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे और फिर इसमें हम डालते हैं अच्छी क्वांटिटी में चिली फ्लेक्स जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ये जो बाइट्स बनेंगे थोड़े से स्पाइसी बनेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं प्रोसेस चीज। ये आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे हाफ कप लिया है और अगर आपके पास चीज नहीं है तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती और यहाँ पे मैंने लिया है पुदीना के पत्ते जो कि अच्छी क्वांटिटी में लिया है। लगभग 20-30 पत्ते लिए हैं मैंने और इसे हम हाथ से रफली तोड़कर इस तरीके से डालेंगे। पुदीना के पत्तों को इसे कट करके नहीं रखे नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। और ये बन रहा है मिंटी चीजी पनीर बाइट्स, तो इसमें अच्छी क्वांटिटी में पुदीना के पत्ते डालिए। और अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं चावल का आटा। आप वैसे यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैदा का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे चावल का आटा डाल रही हूँ, लगभग हाफ कप। और बस अब करना क्या है, सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक कि बिल्कुल बॉल जैसा ना बनने लगे। यहाँ पे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि जो चावल का आटा आप यूज़ करेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, कहीं ऐसा ना हो कि मिक्सर काफ़ी ड्राई हो जाए, बंधे नहीं। तो मैंने एक बार में हाफ कप डाल दिया है और अगर और मुझे चाहिए होगा तो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा डो बन गया है, हमें इसी तरीके से बनाना है। और अगर ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए तो परफेक्ट हो जाएगा। और अगर बहुत गीला है तो इसमें चावल का आटा डाल दीजिए। तो चलिए अब इस डो को हम रोल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर का हाफ पोर्शन ही लिया है और इसे हम हाथ में इस तरीके से रोल करेंगे। तो यहाँ पर इसे हमें थोड़ा सा पतला रोल करना है, तो इसे मैंने रोल कर लिया है। और अब हम थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके से कट करते हैं। तो आपको जितने बड़े बॉल्स बनाने हैं उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। कट करते समय ये हल्के टूट रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम इसे हाथ से शेप देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है और हाथ में इस तरीके से रोल करके हम इसे हल्का सा शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर आप राउंड शेप भी दे सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, राउंड घुमाते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये बन जाएगा। तो ये देखिए एक मैंने बना लिया है, बाकी सभी ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सभी परफेक्ट शेप बन के रेडी हो गया है। आप इसे राउंड बना लेते तो भी अच्छा लगता लेकिन ऐसे देखने में ये ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो गया है और गरम तेल में एक एक करके हम सभी रोल्स को डालते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे तेल गरम होना चाहिए, अगर ठंडा तेल होगा तो बहुत ज़्यादा ऑयल सोक करेगा रोल और साथ ही में टूट भी जाएगा। तो एक बार में कम से कम 10-12 रोल्स हम इसमें डालते हैं और इसे अब हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। तेल को इस तरीके से चलाते हैं ताकि ये नीचे चिपके नहीं और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर उलट पलट कर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो जल्दी लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आ रहा है। तो इसी तरीके से उलट पलट कर हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। तो ये देखिए इन रोल्स को उलट पलट के फ्राई कर लिया है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। चावल के आटे डालने से ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसे अब हम और फ्राई नहीं करते हैं, तुरंत ही इसे निकालते हैं प्लेट में। तो ये देखिए बहुत ही कुरकुरे बन गए हैं ये मिंट पनीर चीजी बाइट जिसका अलग सा फ्लेवर है और इसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।